बहुत आसान है, सिंपल रूल याद रखो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। करना क्या है, जैसे जर्नल को देख के लेजर बनाया जाता है, जर्नल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं लेजर के अंदर, जैसे कैश अकाउंट, बैड डेट, रिकवर अकाउंट, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन दो या तीन बार आती है तो अलग अकाउंट नहीं बनेगा, एक ही में वो चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है, दो बार आ रहा है तो कैश की ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आ जाएंगी। अब रूल क्या याद रखना है, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पे जर्नल के अंदर, जो चीज डेबिट होगी वो लेजर के अंदर भी डेबिट ही होगी, उतने अमाउंट से ही होगी, लेकिन क्रेडिट के नेम से। और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट के नेम से आ रही है, यानी कोई भी एंट्री जर्नल के अंदर क्रेडिट हो रही है, तो वो भी क्रेडिट ही होगी, अमाउंट भी वही रहेगा लेकिन वो डेबिट के नेम से। अब एक करके देखते हैं, जैसे कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है 600 रुपये से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 रुपये से, बट वो किसके नाम से होगा, बैड डेट रिकवर अकाउंट के नाम से। ऐसे ही बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 600 रुपये से, क्रेडिट ही हो रहा है 600 रुपये से, बस किसके नाम से, कैश अकाउंट के नाम। थैंक यू सो मच।